नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। बरेली में 24 घंटे बाद कनिष्ठ सेना का धरना हुआ समाप्त। कलेक्टर उमा शंकर भार्गव एवं एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ला के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। एसपी ने किया आरोपियों पर 5,000 का इनाम घोषित, तो वही एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम करेगी आरोपियों की तलाश। कनिष्ठ सेना के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत की हत्या का मामला है। बरेली से गोरेलाल पाल की रिपोर्ट। देखिए, इस प्रकरण में हमने आरोपियों पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। इस प्रकरण में एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में एक एसआईटी की टीम गठित की जा चुकी है। साथ ही साथ अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे उनके परिजनों को हमने अवगत कराया है। 5 या 6 जगह हमारी टीम इस समय आरोपियों की सर्चिंग में जा चुकी है, जिसकी जानकारी उन्हें हमारे द्वारा दी गई। हम अपनी जो टीमें लगा रखी हैं उसमें हमारी उस टीम में 2 SDOP साहब, 4 TI साहब तथा इसके अलावा 15 से लेकर 20 सदस्य लगे हुए हैं और हम हर जगह तलाश रहे हैं। साथ ही जो हमने इनाम घोषित किया है, हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति हमको उनकी आरोपियों की जानकारी देता है तो ये कैश इनाम उनको दिया जाएगा तथा उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें और ये अपराध हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में ला रहे हैं तथा जो परिजन हैं उनके परिजनों की सुरक्षा की भी व्यवस्था कर रहे हैं। मुआवजे के संबंध में कोई बात हुई है? जो वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। कलेक्टर SP साहब आए हुए हैं, क्या बात हुई आपकी और क्या आश्वासन मिला है? जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष शिवराज जी की हत्या विगत कल हुई थी, जिसमें हम लोग लगातार यहाँ धरने पर बैठे थे। अभी SP साहब और कलेक्टर साहब दोनों यहाँ मौजूद है और हमारी उससे चर्चा हुई है, जिसमें एक SIT का गठन प्रशासन के द्वारा किया गया है इस पूरी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही 5,000 का इनाम अपराधियों के ऊपर है और शीघ्र शीघ्र उनको गिरफ्तार करने की कोशिश प्रशासन करेगा। और आरोपियों के अवैध निर्माण प्रशासन ने तोड़ना चालू कर दिए हैं, कुछ लोग टूट गए हैं। साथ ही उनके ऊपर जो भी कार्रवाई बची है उसके लिए भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। परिवार को सुरक्षा के लिए भी प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है और घटना के लिए जो भी अधिकारी अगर लापरवाही बरती है और दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कलेक्टर व SP साहब द्वारा की जाएगी। इससे परिवारजन इससे संतुष्ट है कि हमारी FIR अभी दर्ज हो चुकी है। विवेचना के लिए हम लोगों ने निवेदन करा है कि अच्छी तरीके से इसकी विवेचना हो ताकि दोबारा बरेली में इस तरीके का अपराध ना हो और बरेली भी एक स्वच्छ सुंदर शहर के रूप में जाना जाए। आप लोगों के बीच में हम लोग यहाँ इसीलिए आए थे कि बरेली में दोबारा ऐसी घटना ना हो। आज हमारे भाई के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो, हम प्रशासन के आश्वासन से सहमत है और आज हम लोग यह धरना हमारा ख़त्म जरूर कर रहे हैं। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती और प्रशासन लापरवाही बरतता है तो पूरी ताकत के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में फिर से बरेली को आने को तैयार। कितने दिन का समय दिया गया है गिरफ्तारी का? बिल्कुल फिक्स समय तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 72 घंटे में भी हम लोग गिरफ्तारी कर सकते हैं, 3 दिन भी हो सकता है, लेकिन जितनी जल्दी होगी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। हमारी पार्टियां लगातार उनको ढूंढ रही है और अगर मैं भी आमजनों से अपील करूंगा कि ऐसे अपराधियों के बारे में अगर आपके पास सूचना हो तो प्रशासन को जरूर अवगत कराएं ताकि आपके परिवार के ऊपर दोबारा ऐसी चीज़ ना बीते। कोई मुआवजे की बात हुई है? मुआवजे की बात हुई है, चूंकि ये कलेक्टर साहब के अंतर्गत मामला नहीं आता है, उन्होंने एक आवेदन हम लोगों से मांगा है, कल हम मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन उनको सौंपेंगे और परिवार को मुआवजा राशि मिले इसके लिए हम लोग मांग करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।